गुड मॉर्निंग हिमाचल वासियों। तो अभी हाजिर हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह के मुख्य समाचार। 30 दिन में तैयार की जा सकेगी मशरूम वेस्ट से ऑर्गेनिक खाद, सफल रहा शोध। मशरूम अपशिष्ट वेस्ट से अब नुकसान नहीं बल्कि कृषि और बागवानी कार्य में लाभ मिलेगा। मशरूम फसल पूरी होने के बाद खुले में फेंके जाने वाले वेस्ट से अब किसान बागवान ऑर्गेनिक खाद तैयार कर सकते हैं। इसमें खुम्ब अनुसंधान निदेशालय DMR की ओर से किया जा रहा शोध भी सफल रहा है। इसमें 30 दिन में वेस्ट से ऑर्गेनिक खाद तैयार होगी। DMR के विशेषज्ञों की माने तो मशरूम के वेस्ट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस व पोटेशियम की प्रचुर मात्रा होती है। पंचायती राज उपचुनाव में 66.54, शहरी निकाय में 73.75% मतदान। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल हुए पंचायती राज उपचुनाव में 66.54% जबकि शहरी निकाय उपचुनाव में 73.75% मतदान हुआ। पंचायती राज संस्थाओं में 143 रिक्तियों के लिए 98 पदों पर निर्विरोध प्रत्याशी निर्वाचित हुए। वहीं 8 स्थानों पर कोई नामांकन नहीं हुआ और 36 पदों पर निर्वाचन हुआ। वहीं जिला ऊना में एक वार्ड सदस्य के लिए केवल एक ही नामांकन दाखिल हुआ था जो छंटनी में रद्द हो गया। जिलावार सिरमौर में सर्वाधिक 81.48, सोलन में 75.97, चंबा में 70.55, बिलासपुर में 66.56, हमीरपुर में 62.69, कांगड़ा में 61.11, मंडी में 65.92, शिमला में 68.52 और ऊना में 61.86% मतदान हुआ। मेरठ के इंजीनियर ने बनाए ठगी के सॉफ्टवेयर, विदेश में लिया प्रशिक्षण। क्रिप्टो करेंसी मामले में आरोपियों ने प्रोफेशनल तरीके से ठगी को अंजाम दिया। आरोपियों से पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मेरठ के रहने वाले एक आरोपी ने ठगी के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किए। यह आरोपी प्रशिक्षण लेने के सिलसिले में कई बार दुबई गया है। इसे इंजीनियर बताया जा रहा है। लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए आरोपी ने विदेश में डिजिटल करेंसी का पूरा खेल समझा। वहीं भारत लौटकर एक सॉफ्टवेयर तैयार किया। उसके बाद शातिर आरोपियों ने फर्जी वेबसाइट तैयार की जिसमें निवेशकों को उनकी ID खोलने पर एक डिजिटल करेंसी में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी दिखती थी। वास्तव में ऐसा नहीं था। दोगुना रिटर्न के लालच में लोगों के समक्ष डिजिटल करेंसी का ऐसा जाल बुना गया कि लोग इनके झांसे में आते गए। वहीं लोगों ने पैसा डबल करने के चक्कर में निवेश करना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हाथ गोला फटा, हिमाचल के BSF जवान की मौत। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में विधानसभा चुनाव ड्यूटी पर गए हिमाचल प्रदेश के सीमा सुरक्षा बल BSF के जवान की हाथ गोला फटने से मृत्यु हो गई। पुलिस अधिकारियों ने पिछले कल बताया कि जिले के कटे कल्याण थाना परिसर में हथगोला फटने से BSF के हवलदार बलवीर चंद की मृत्यु हो गई है। उन्होंने बताया कि कटे कल्याण थाना परिसर में विधानसभा चुनाव के लिए रुके BSF की 17वीं बटालियन के जवान रविवार को जब गश्त के लिए रवाना हो रहे थे तो हिमाचल प्रदेश के निवासी बलवीर चंद के पाउच में रखा हथगोला फट गया जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद घायल जवान को दंतेवाड़ा शहर के जिला अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोहरे हत्याकांड में इस्तेमाल की बंदूक, आरोपी के घर से बरामद पत्नी व बेटी, पुलिस रिमांड पर। नगरोटा बगवा पुलिस थाना के अंतर्गत आते जसोर गांव में दोहरे हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी दीपक की पत्नी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 12 बोर के बंदूक आरोपी के जसोर स्थित पुश्तैनी घर से बरामद कर ली है। वहीं बंदूक के अंदर जो खोल मिला वो भी उसी कंपनी का पाया गया जो खोल पुलिस ने घटना वाले दिन घटना स्थल से कब्जे में लिया था। इससे साफ जाहिर हो गया है कि आरोपी दीपक ने इसी बंदूक से घटना को अंजाम दिया होगा। कनाडा का वीजा लगवाने के नाम पर व्यक्ति से 9,00,000 की ठगी। बिलासपुर जिला के घुमारवी पुलिस थाना के अंतर्गत एक व्यक्ति ने कनाडा का वीजा लगवाने के नाम पर 9,00,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है।
पीड़ित व्यक्ति अनिल कुमार पुत्र शिवराम निवासी गांव सारडग डाकघर कुठेड़ा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस को दी शिकायत में अनिल कुमार ने कहा कि उसका संपर्क ऐसे लोगों से हुआ जो कनाडा जाने के लिए वीजा लगवा रहे थे। उन लोगों के कहने पर उसने भी कनाडा जाने की इच्छा जाहिर की। इस पर वह एक आरोपी से चंडीगढ़ में मिला। वहीं शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपियों ने उससे वीजा लगवाने के लिए 9 लाख रुपए हड़प लिए। शिकायतकर्ता ने 9 लाख रुपए की राशि बैंक के माध्यम से अदा की है। जानकारी के मुताबिक आरोपित लोगों ने शिकायतकर्ता को कनाडा जाने का वीजा भी दे दिया था, लेकिन लोगों ने बताया कि इस वीजा की अवधि समाप्त हो गई है। वहीं लोगों ने कहा कि अब उसे दोबारा वीजा लगवाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सेहत में सुधार, एम्स से ही निपटा रहे फाइलें। पिछले 10 दिनों से एम्स दिल्ली में उपचाराधीन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सेहत में आशातीत सुधार हुआ है और सोमवार यानी आज एम्स के डॉक्टर उनके वार्ड में शिफ्ट करने पर फैसला लेंगे। प्रतिदिन मुख्यमंत्री के रूटीन के टेस्ट हो रहे हैं जो पूरी तरह से सामान्य हैं। शनिवार को भी किए गए उनके टेस्ट पूरी तरह से नॉर्मल आए हैं। पूर्व सीएम जयराम बोले, हवा हवाई निकली कांग्रेस की सारी गारंटियां। जयराम ठाकुर ने स्वराज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि स्वराज के कुछ लोग पार्टी के मंच से उनको और स्वराज के बारे में भला बुरा कह रहे हैं, जिन्हें टोकना चाहिए। अगर वे स्वराज के सच्चे हितैषी हैं तो वे कांग्रेस सरकार द्वारा स्वराज में बंद किए गए संस्थानों को फिर से नोटिफाई करके दिखाएं। दूसरी ओर जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने जिन गारंटियों के दम पर राज्य की सत्ता पाई है, वे सत्ता हासिल करने के 11 माह बाद भी पूरी नहीं की है। आज नौबत यह है कि कांग्रेस पार्टी की सारी गारंटियां हवा हवाई निकली हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक गोबर बिका नहीं तथा महिलाएं भी 1500 रुपए की गई घोषणा की राशि के इंतजार में बैठी हैं। प्रदेश में दिवाली से पहले करवट बदलेगा मौसम, 7 से 10 नवंबर तक बारिश का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में अब 7 नवंबर तक बारिश बर्फबारी के कोई आसार नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान लगाया है कि प्रदेश में 7 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान प्रदेश के सभी क्षेत्रों में धूप खिलने के आसार हैं। हालांकि 7 और 10 अक्टूबर को प्रदेश में मौसम फिर बदलेगा। मौसम विभाग ने 7 और 8 नवंबर को मौसम बदलने का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान प्रदेश मध्य पर्वतीय क्षेत्रों एवं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में अब सर्दियां धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। आलम यह है कि प्रदेश के 8 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे आ गया है। वहीं अगर लाहौर स्पीति ज़िला के केलांग की बात करें तो यहां का न्यूनतम तापमान माइनस में चल रहा है। केंद्र के कड़े निर्देश, 10 दिन में जारी करें पंचायतों को बजट वरना दे ब्याज। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि 10 दिनों के भीतर पंचायतों को बजट जारी करें, अगर ऐसा नहीं किया तो ब्याज दिया जाए। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय की संस्तुति के बाद खुद देरी से राज्य सरकार को यह ग्रांट जारी की है। यानी 7 महीने बाद यह ग्रांट जारी की जा रही है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत इस बजट को जारी कर यह सख्त फरमान जारी किया है। तो ये हैं सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।